शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल जल चरण के पास में। ऐसे पांच स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? पांच चीजों से। पंचामृत, दूध बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये पांच चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और पांचवें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो, बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार का, लगता है कि मन, कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन कहाँ?